आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, वो जुलाई में जब नया अपडेट आया था। ये लास्ट में भी अगस्त में एक और नया अपडेट आया है। इस मेथड से अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो आपका फीस लगता है 1000 रुपए, सेम फीस आपका लगेगा, 1000 रुपए चार्ज लगेगा और इसके साथ ही पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको न्यू प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को कैसे आप लिंक कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का नया प्रोसेस आ गया है। अगर इस प्रोसेस से आप लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा और आपका पेमेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक आधार स्टेटस। पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड से जो पैन कार्ड है वो लिंक है या फिर नहीं, पहले आपको स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पैन कार्ड आधार लिंकिंग हैज बीन फेल्ड, DOB मिसमैच की वजह से हमारा फेल हो गया, दोबारा हमें लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्लोज कर लेंगे इसको, हम यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर फेल होता है करेक्शन आप करवाएंगे, करेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद दोबारा आप लिंक करेंगे। यहाँ पर लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहीं से आपको अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना है। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा इंटर पैन कार्ड का नंबर, तो यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर आधार नंबर मिल जाएगा, आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ईपैक्स पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगेन पैन कार्ड का नंबर डालना है, तो यहाँ पर अगेन पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और उसी पैन कार्ड को यहीं पर आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे वैलिडेशन के लिए और यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP शेयर किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहीं पर देखिए पैन कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड पर जो नाम रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड मोबाइल OTP। आप यहां पर आपका मोबाइल OTP वेरीफाई हो गया है, यहां पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको पेमेंट करना होगा तो कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड पर और पैन कार्ड पर जो नाम रहेगा वही नाम दोनों पर होना चाहिए। यहां पर आपको देखिए चार ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट के लिए। यहां पर इनकम टैक्स है, डिमांड पेमेंट है और यहीं पर फीस अदर पेमेंट है। यहां पर आपको इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर, यहां पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको मिल जाएगा, पर असेसमेंट ईयर आप 2023-24 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट यहां पर आपको मिल जाएगा, तो यहां पर पेमेंट कौन सा कर रहे हैं यहीं पर देखेंगे तो अदर रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। बाद नीचे आना है, यहां पर मिलेगा फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहीं पर देखिए आपकी न्यू पेमेंट्स की डिटेल आ जाएगी। 1000 का पेमेंट आपको करना है, यहां पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर किस मेथड से आपको पेमेंट करना है यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहां पर बैंक काउंटर ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर पेमेंट गेटवे मिल जाएगा आपको। जैसे यहां पर पेमेंट गेटवे, तो यहां पर पेमेंट गेटवे की भी तो कर सकते हैं, RTGS NEFT करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करूंगा तो यहां पर हमने अपना यहां पर बैंक सेलेक्ट करेंगे। कुछ बैंक यहां पर हाईलाइट है, अदर बैंक पर क्लिक करके और भी बैंक यहां पर चेक कर सकते हैं। यहां पर नीचे आएंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहीं पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा कितना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने कंसेंट आ जाएगी। यहाँ पर आप टर्म एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग हमने चूज किया तो उस पर यहाँ पर हमने रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपके सामने कंफर्मेशन आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन आपके सामने कंफर्मेशन आएगा 1000 पेमेंट के लिए। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, यहीं पर देखिए आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। जो OTP आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमारे नंबर पर OTP आ गया, हमने OTP डाला और यहाँ पर हम कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म कर देंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे, बैक रिफ्रेश प्रेस नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना है। देख सकते हैं कि यहीं पर हमें ई फिलिंग की साइट पर ऑटोमेटिक हमें रिडायरेक्ट कर दिया। पेमेंट चलान यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है, ये पेमेंट चलान आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है,
यहाँ पर नीचे आना है आपको, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहीं पर देखिए आपको यहाँ पर मेक इन अदर पेमेंट मिल जाएगा और डाउनलोड मिल जाएगा, तो यहीं पर इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सीधे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहीं पर आपको फिर से लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहीं पर फिर से आपको प्रोसेस करना है आधार लिंकिंग का, क्योंकि एक बार जब आप लिंक का प्रोसेस करेंगे तो आपका पूरी तरीके से लिंक नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको दोबारा प्रोसेस करना होता है, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, नीचे यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर आप वैलिडेट करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए थोड़ा वेट करेंगे, आपका यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड को वैलिडेट करेगा। यहाँ पर आप ट्राई करना है, 1 से 2 घंटे बाद आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर चालान का सीरियल नंबर और यहाँ पर BSR कोड वगैरह आपको मिल जाएगा अमाउंट, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको नेम एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड पर जो नाम रहेगा यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पर नाम डालेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ नहीं क्लिक करना है आपको, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना है, लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा और उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहीं पर देखिए आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। और यहाँ पर वैलिडेट होने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर कि आपको 48 आवर्स का टाइम लगता है, 48 आवर्स में आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक हो जाता है। ये यहाँ पर बताया है कि आपका जो पैन आधार कार्ड लिंकिंग का स्टेटस है, पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका सक्सेसफुली आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा और आपका पैन कार्ड कभी भी यहाँ पर डिलीट वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपका भी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मम्मी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। नीलेश 09। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए टेक केयर।